ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लगातार कम हो रहे कोरोना के मामलों के बाद प्रदेश में अनलॉक के दायरे को बढ़ाने, तीसरी लहर से बचाव और डेल्टा वेरिएंट सहित कई मुद्दों पर शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में मंथन हुआ। 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं को लेकर मंत्रियों से सुझाव लिए। इसके साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अब निकायों को ज्यादा अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अलग अलग कामों के लिए जमीन आवंटन नीति 2015 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्थानीय निकाय अब अपने स्तर पर जमीन आवंटित कर सकेंगे। गहलोत कैबिनेट की बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी खासी चर्चा हुई है। तीसरी लहर को बच्चों के लिए सर्वाधिक खतरनाक बताया जा रहा है। इसके लिए बैठक में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों से सुझाव भी लिए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो पहले जहां सरकार अनलॉक 3 की गाइडलाइन में छूट का दायरा काफी बढ़ाने वाली थी, लेकिन बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज मिलने के बाद अब इसका असर नई गाइडलाइन पर भी देखने को मिलेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नई गाइडलाइन में शामिल होने वाले बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों से सुझाव लिए हैं और सभी मंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके इसके सुझाव दिए हैं। खाचरियावास का कहना है कि सरकार की कोशिश यह भी है कि नई गाइडलाइन के जरिए लोगों के व्यवसाय में जरूरी राहत देने की कोशिश होगी, लेकिन शादी समारोह मंदिरों में किसी भी तरह की ज्यादा छूट देखने को नहीं मिल सकती। हालांकि नई गाइडलाइन पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज लेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में जमीन आवंटन प्रक्रिया को लेकर और सरल बनाने को लेकर कैबिनेट में मंथन किया गया, जिसके तहत निवेश करने वाले प्रीमियम संस्थानों को जमीन का आवंटन आसानी से और जल्द होगा। निवेश करने वालों को शहरी निकाय स्तर पर ही जमीन आवंटन की मंजूरी मिलने से समय बचेगा। राज्य स्तर पर अब जमीन आवंटन के बहुत कम मामले जाएंगे। शहरों में जमीन आवंटन का काम अब आसानी से और जल्दी होगा। उधर मंत्री परिषद ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण को मंजूरी दी है। मंत्री परिषद ने केंद्रीय प्रवर्तित योजना के तहत प्रदेश में मंजूर मेडिकल कॉलेजों और भविष्य में आने वाले सभी नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का संचालन राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन सोसाइटी के अधीन करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की योजना के दूसरे और तीसरे फेज मिधुलपुर, बारा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा, अलवर और श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज बनने हैं। मंत्री परिषद ने राजकीय अतिथि गृह योजना 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब सरकारी गेस्ट हाउसों में पर्यटकों को ठहरने की अनुमति दी जाएगी। पहले फेज में प्रमुख पर्यटन केंद्रों और इकोलॉजिकल साइट्स पर मौजूद पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, जल संसाधन विभाग के गेस्ट हाउस में पर्यटकों को ठहरने की सुविधा दी जाएगी। बाद में अन्य विभागों के गेस्ट हाउस भी इस योजना से जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही बांध संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम लागू करने को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार यह पुरस्कार बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थानों, भामाशाहों और बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली संस्थानों को हर साल बाल दिवस के दिन 14 नवंबर को दिया जाएगा। इसमें कुल 9 पुरस्कार दिए जाएंगे। मंत्री परिषद ने सामूहिक विवाह के आयोजन में आवेदन और भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना 2021 को लागू करने की मंजूरी दी है। इससे लाभार्थियों और आयोजक संस्थानों को योजना का लाभ आसानी से मिल सकेगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।